टॉप न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ देव। आइए देश की खास खबरों पर एक नजर डालें। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की भारत यात्रा के दौरान राजधानी दिल्ली में भड़की हिंसा में अब तक 46 लोगों की मौत हो गई है। इस हिंसा के लिए बीजेपी नेता कपिल मिश्रा और भीम आर्मी के मुखिया चंद्रशेखर आजाद को जिम्मेदार ठहराया जा रहा था, लेकिन अब इसमें एक और नाम जुड़ गया है। देशद्रोह मामले में आरोपी जेएनयू छात्र उमर खालिद का एक वीडियो वायरल हो गया है, जिसमें वो ट्रंप के आने पर लोगों से सड़क पर उतरने की अपील कर रहे हैं। देखिए, मंदा सी है। हम वादा करते हैं 24 तारीख को जब डोनाल्ड ट्रंप हिंदुस्तान आएंगे तो हम ये बताएंगे कि हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री और हिंदुस्तान की सरकार हिंदुस्तान को बांटने का काम कर रही है, महात्मा गांधी के उसूलों की धज्जियां उड़ा रही है, और ये बताएंगे कि हिंदुस्तान की आवाम हिंदुस्तान के हुक्मरानों के खिलाफ लड़ रही है। अगर हिंदुस्तान के हुक्मरान देश को बांटना चाहते हैं तो हिंदुस्तान की आवाम देश को जोड़ने के लिए तैयार है। हम तमाम लोग सड़कों पर निकल कर आएंगे। आप लोग निकल कर आएंगे? बहुत बहुत शुक्रिया। मंदा सी है। हम वादा करते हैं 24 तारीख को जब डोनाल्ड ट्रंप हिंदुस्तान आएंगे तो हम ये बताएंगे कि हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री और हिंदुस्तान की सरकार हिंदुस्तान को बांटने का काम कर रही है, महात्मा गांधी के उसूलों की धज्जियां उड़ा रही है, और ये बताएंगे कि हिंदुस्तान की आवाम हिंदुस्तान के हुक्मरानों के खिलाफ लड़ रही है। अगर हिंदुस्तान के देश को बांटना चाहते हैं तो हिंदुस्तान की आवाम देश को जोड़ने के लिए तैयार है। हम तमाम लोग सड़कों पर निकल कर आएंगे। आप लोग निकल कर आएंगे? बहुत बहुत शुक्रिया। इस वीडियो के सामने आने के बाद बीजेपी उमर खालिद पर हमलावर हो गई है। दिल्ली पुलिस ने कहा है कि दंगों की अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। कुछ असामाजिक तत्वों ने रविवार शाम दिल्ली के कुछ इलाकों में अफवाह फैलाई, जिसके चलते अफरा तफरी का माहौल बन गया था। अब दिल्ली पुलिस ने ऐसे कुछ लोगों पर कार्रवाई की है। कुछ एंटी सोशल एलिमेंट्स ने दिल्ली में अफवाहें फैलाई थी और इसमें काफ़ी पैनिक पीसीआर कॉल्स आई थी। मैं तमाम दिल्ली वासियों को आपके माध्यम से बताना चाहूँगा कि सिचुएशन पूरी नॉर्मल है, कहीं भी कोई ऐसी घटना नहीं घटी है और हर एक जगह पर दिल्ली पुलिस की डिप्लॉयमेंट है। आपके माध्यम से मैं तमाम दिल्ली वासियों को फिर अपील करना चाहूँगा कि आप ऐसी अफवाहों को ना माने, और अगर कोई ऐसी अफवाह फैलाता है तो आप पुलिस को बताएं। आप अपने जो नज़दीकी पुलिस स्टेशन है वहाँ से वेरीफाई कर सकते हैं, हमारे हेल्पलाइन नंबर है 112, वहाँ से वेरीफाई करते हैं कर सकते हैं। तमाम दिल्ली पुलिस की वेबसाइट पर हमारे सीनियर अफसरान के नंबर है, आप वहाँ से वेरीफाई कर सकते हैं। आप इन अफवाहों में मत आएँ। ऐसी अफवाहें फैलाना एक क्राइम है और दिल्ली पुलिस सोशल मीडिया को क्लोजली मॉनिटर कर रही है और उनके सख्त कार्रवाई करेगी। अब दिल्ली पुलिस ने कुछ आदमी डिटेन भी किए हैं जिन्होंने ऐसी अफवाहें फैलाई हैं, उनके खिलाफ हम केस दर्ज कर रहे हैं और उनको बंद करेंगे। और लेकिन आपके माध्यम से फिर मैं एक बार अपील करना चाहूँगा कि दिल्ली में शांति बनाए रखने में दिल्ली पुलिस का सहयोग करें। नॉर्थ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट में भी अब पूरी तरह शांति है, पिछले 4 दिन से कोई रॉयट की कॉल नहीं है। अब दिल्ली पुलिस ने ऐसे कुछ लोगों पर कार्रवाई की है। महाराष्ट्र के मालेगांव में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM के विधायक ने अपने भड़काऊ बयान पर सफाई दी है। एक वायरल वीडियो में विधायक मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कहते दिख रहे हैं कि अगर हम शांति बनाए रखना जानते हैं तो ये भी जानते हैं कि इसे भंग कैसे करना है। बाद में उन्होंने अपने बयान पर सफाई भी दी। उन्होंने कहा कि ये बयान महाराष्ट्र या भारत के लिए नहीं बल्कि शहर के संदर्भ में दिया गया था। सुनिए विधायक का वो बयान जिस पर विवाद हुआ। मेरा सवाल है डिपार्टमेंट से कि अगर शहर में गोली चलती है और किसी शख्स को गोली लगती है, कोई केस क्यों दर्ज नहीं किया गया? FIR क्यों दर्ज नहीं की गई? क्या आप समझते हैं कि शहर के लोग बेवकूफ हैं? शहर के लोगों को पता नहीं है गोली चलती है और कोई FIR रजिस्टर नहीं होती? आदमी जख्मी होता है, कोई FIR रजिस्टर नहीं होती? साहब, हम भी समझते हैं कि क्या हालात है और किन हालात के तहत डिपार्टमेंट चल रहा है। अगर इस तरह होता रहा तो शहर की आवाम खामोश नहीं बैठेगी। कई लोगों ने यह बात कही है कि अमन अमान हमारी वजह से है।
अगर शहर पर बुरा वक्त आता है, डिपार्टमेंट से पहले हम जाकर के लोगों का सामना करते हैं, लोगों को समझाते हैं, लोगों की मिन्नत समाजत करते हैं, अपने शहर का अमन अमान, अपने शहर में अपनी मिल्कियत और जान महफूज रहे, उसके लिए हम अपनी जान हथेली पर लेकर मजमे में जाते हैं। अगर बात हम पर आएगी तो डिपार्टमेंट इस बात को नोट कर ले कि अगर अमन अमान बाकी रखना जानते हैं तो अमन अमान कैसे जाएगा वो भी हमें पता है। हमने कोई चूड़ियां नहीं पहनी है, ये हमारी शराफत है कि हम आज तक खामोश हैं और शहर के अंदर इस तरह की गुंडागर्दी और दादागिरी चल रही है। 2009 का इलेक्शन हुआ था, हारने के बाद लोगों के कारखानों को आग लगाई गई, हारने के बाद लोगों के कारखानों में घुस करके भीम पर ब्लेड मारी गई, हारने के बाद लोगों को मारा पीटा गया, लोगों से पैसे छीने गए। 2019 के इलेक्शन में हारने के बाद क्या कुछ हो रहा है आपके सामने। न्यूजीलैंड के हाथों वनडे के बाद टेस्ट मैच में भी सुपड़ा साफ होने के बाद भारतीय कप्तान विराट कोहली ने कहा है कि वो इस हार पर कोई बहाना नहीं बनाना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि एक अच्छी टीम से हारने में कोई शर्म की बात नहीं है। उन्होंने कहा कि हमारी बल्लेबाजी खराब रही, टॉस का साथ नहीं मिला, हमने लगातार गलतियां दोहराईं, ऐसे में जीत की उम्मीद बेमानी थी। आपको बता दें कि दो टेस्ट मैचों की सीरीज में भारत को 0-2 से हार मिली है। कोहली ने हार के लिए बल्लेबाजों पर जमकर भड़ास निकाली। कोहली ने मैच के बाद प्रेजेंटेशन में कहा, हमने पहले टेस्ट में जज्बा नहीं दिखाया और यहाँ भी हमने पहली पारी में अच्छे बल्लेबाजी की, लेकिन इसके बाद गलतियाँ दोहराईं। साथ ही न्यूजीलैंड ने शानदार खेल दिखाया, उन्होंने लगातार अच्छे एरिया में गेंदबाजी की। कोहली ने कहा कि बल्लेबाजों ने इतने रन नहीं बनाए जिससे गेंदबाजों को थोड़ी राहत मिलती। उन्होंने कहा कि न्यूजीलैंड के गेंदबाजों ने हम पर दबाव बनाए रखा और हम उसमें फंसे रहे। और भी ताज़ा तरीन खबरों के लिए नवभारत टाइम्स के फेसबुक पेज को लाइक करें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें।